हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं न्यू ईयर पार्टी का मेकअप क्रिएट करने। तो आपने सबसे पहले कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले लेना है, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी वो स्किन हो चुकी है। अब जी फाउंडेशन की बारी आ जाती है, आप कोई भी ब्रांड का अपने फेस के शेड का फाउंडेशन ले लें और उसको अप्लाई कर लें। देन उसके बाद आपने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उससे आपने टैप टैप करना है, स्किन पर रगड़ना नहीं है, टैप टैप करना है। तो टैप टैप करके आपने पूरे फेस पे ब्लेंडिंग कर लेनी है। वो हमारी हो चुकी है। अब आ जाती है हमारी कंसीलर लगाने की बारी। तो जी आपने कंसीलर हाईलाइट करने के बाद आपने एक सेकंड बाद इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि जो फ़ौरन लगाने से हमारा वो मज़ा नहीं आता लगाने का, मतलब हाईलाइट भी अच्छे नहीं होते। तो इस वजह से आपने उसके बाद जी कोई भी, तो जी हमारा फेस भी सेट हो गया। अब हम करेंगे ब्राउनिंग अपने फेस पे। तो जी आप वो देख रहे हैं, आपने ऐसे ही करनी है, ठीक है। फिर जी अब आ जाती है हमारे ब्लशन लगाने की बारी। तो जी आपने इसमें अपना होला हाथ नहीं रखना, क्योंकि आज हमने जाना है पार्टी में, तो हमने पार्टी के हिसाब से ही मेकअप कर रहे हैं, ग्लिटर मेकअप। तो जी आपने भर भर के ब्लशन लगाना है, बेफिक्र होके कि आपको कोई कुछ नहीं भूलेगा आज। और जी ब्लशन, फिर जी आपने अगर अपने फेस को स्ट्रेट साइड दिखाना है तो आपने ऊपर की साइड लेकर जाना है अपने ब्लशन ब्लेंड करते करते। तो जी अब आ जाती है हमारे आईज मेकअप की बारी। तो आपने पहले कंसील करना है, फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेना है, देन इसको फिर उसके बाद पाउडर से भी सेट कर लीजिएगा। अब आ जाती है हमारे आई शेड अप्लाई करने की बारी। तो जी आपने सबसे पहले एक ब्राउन शेड ले लेना है, उसको आपने ब्लेंड करना है, ब्लेंड आहिस्ता आहिस्ता आप करिएगा कि आंखों के बाहर ना जाए। ये भी हम दूसरी आंख में भी ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ हम दूसरे आईज़ का भी अपना मेकअप करते जाएंगे। तो जी अब हमने लेना है रेड शेड, उसको भी हमने ब्लेंडिंग करनी है आहिस्ता आहिस्ता कि हमारी आईज़ से बाहर ना जाए। आप देख रहे हैं मैं कितने आराम से, और आप अगर फिंगर की हेल्प से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। फिर जी आपने एक शिमर शेड लेना है, शिमर शेड मैंने लिया है रेड, क्योंकि मेरे ड्रेस में रेड आ रहा है, इस वजह से आपने लेने के बाद देखना है। तो जी मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो देखिए मतलब कितनी प्यारी पिगमेंट है इसकी। फिंगर्स की हेल्प से करें आप, इतनी प्यारी पिगमेंट होगी इसकी। फिर जी हमने अपने आईब्रो लाइन को हाईलाइट कर लिया। अब मैं बिग बॉस के वो सॉन्ग सुन रही थी, तो उस पर मैं थोड़े बहुत, आपको पता है आ ही जाता है। फिर जी आपने वो ही रेड शेड लेना है और अपनी आईज़ के नीचे लगा लेना है। हाफ आइस पर लगाइएगा, फुल आइस पर नहीं लगाइएगा। देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। फिर जी अब आ जाती है हमारी मस्कारा अप्लाई करने की बारी। पहले आपने स्ट्रेट करके करना है, फिर जी आपने राउंड राउंड करना है, इससे बहुत अच्छा मस्कारा लगता है। अब हम करेंगे अपना फेस सेट, जो मैं कर रही हूँ रोज़ वाटर से। अब आ जाती है हमारे फेस को हाईलाइट करने की बारी, जहाँ आपने भर भर के ये भी लगाना है। जी इतना भी भर नहीं लिएगा कि लोग आपको पार्टी छोड़ के आपको देखने लग जाए, ऐसा नहीं करिएगा। फिर जी आ जाती है हमारी लिपस्टिक लगाने की बारी। उसके लिए मैंने लिया है लाइट ब्राउन शेड, वो लगाने के बाद इस पर हम अप्लाई करेंगे अपना रेड शेड। ये देखिए मैं रेड शेड भी लेकर आ गई हूँ। तो आपने अप्लाई करना है इसको बिल्कुल हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं करना। ये हो गया हमारा फाइनल लुक। देखें देखें, ओ माय गॉड कितना प्यारा, मतलब हम ज़्यादा मतलब हेवी भी मेकअप नहीं कर सकते और लाइट भी मेकअप, दोनों तरफ जा रहा है, ये पार्टी वेयर मेकअप है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।